अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं बहुत परेशान था कुछ दिन से। मेरा यूट्यूब चैनल का इशू चल रहा था एंड मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं जाके अपनी एप्लीकेशन पे देखता हूँ। बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब मैं देख रहा होता हूँ कि कितने व्यूज़ हुए हैं एंड कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, लाइक कमेंट्स एंड से शेयर, ये सब देख रहा होता हूँ। और अभी 14 जनवरी 2022 की बात है, फ्राइडे वाले दिन जब मैं सुबह उठा तो जब मैंने देखा मेरा यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा था। और फिर मैंने जाके ईमेल देखी तो ईमेल आई हुई थी यूट्यूब की तरफ से कि ये सस्पेंड हो गया। मैं परेशान, और फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि देखो ये क्या इशू है, हैक हुआ है, सस्पेंड हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, कोई हिट पड़ी है, क्या हुआ है। तो फिर अपनी बहन की हेल्प से जो है वो हमने यूट्यूब को अपील का फॉर्म सेंड किया, रिक्वेस्ट फॉर्म होता है वो हमने भेज दिया। फिर हम वेट करते रहे, शाम को रिस्पांस आया कि अपनी सारी डिटेल्स शेयर करें, जो भी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वो हमने सब शेयर कर दी। देन सैटरडे की बात है कि हम वेट करते रहे, कोई ईमेल नहीं आई। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, सारे सोशल मीडिया पे शेयर की कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। सब फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किए, मैसेजेस किए कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैं परेशान था काफ़ी ज़्यादा, और सब ने दुआएं की कि इंशाल्लाह ज़रूर यूट्यूब चैनल तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, कोशिश करते हैं। तो देन फिर मैं वेट करता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मंडे वाले दिन जो है वो मुझे रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कहा कि हम वेट करें, हम देख रहे हैं, पीछे चेंजेस कर रहे हैं। देन ट्यूसडे की बात है कि मुझे ईमेल आई के और उन्होंने बताया कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें, एडवांस सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस अप्लाई करें। एंड वेडनेसडे वाले दिन फाइनली जब ईमेल आई कि मेरा यूट्यूब चैनल रिकवर हो गया है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। जब मैं यूट्यूब चैनल ओपन करके देखा तो कोई पिक्चर ही डिफरेंट लगी हुई थी, मेरी जो वीडियोज़ थी वो सारी प्राइवेट हुई हुई थी, उसके जो कमेंट्स थे वो ज़ीरो हुए हुए थे, सब कुछ लॉस्ट हो चुका था। एंड जो पब्लिक वॉच आवर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इंक्रीज बड़ी मुश्किल से हुए थे, वो भी ज़ीरो हुए हुए थे। एंड कोई बिटकॉइन से रिलेटेड हिट्स पड़ी हुई थी, और मैं इतनी मुश्किल से मेहनत करके मैंने इसको ग्रो अप किया और सब कुछ लॉस्ट हो गया। मैं तो बड़ा ही परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। फिर थर्सडे को जो है यूट्यूब को मैंने ईमेल की कि मेरे कमेंट्स लॉस्ट हो गए हैं, पब्लिक वॉच आवर्स लॉस्ट हो गए हैं, तो मुझे बताएं इसके ऊपर रिस्पांस दें। तो फिर मुझे रिस्पांस आया, उन्होंने फ्राइडे वाले दिन मुझे रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल आपकी ये डाटा लॉस्ट हो चुका है हैकिंग की वजह से। तो फिर मैंने देखा कि शाम तक जो है वो कमेंट्स रिस्टोर होना शुरू हो गए थे थोड़े बहुत, तो फिर थोड़ी होप मिली कि हो सकता है चेंजेस अपडेट हो रही हो, देखते हैं आगे फर्दर देखते हैं। तो शाम तक सारे कमेंट्स फिर कंप्लीट हो गए थे एंड रीस्टोर हो गए थे। फिर मैंने फाइनल एक ईमेल की यूट्यूब को कि ये मेरा फाइनल सवाल है, ज़रा मुझे बताएं कि मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो चेंज नहीं हो पा रही जब सर्च करते हैं, एंड यूट्यूब वीडियोस भी जो हैं वो प्रॉपर पब्लिक नहीं हो पा रही। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया आप थोड़ा सा वेट करें, पीछे चेंजेस हो रही हैं, रीस्टोर हो जाएगा। तो अभी जो है वो मेरे कमेंट्स सब रीस्टोर हो गए हैं, और बाकी जो है वो वॉच आवर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। एंड जो भी लोग अब दोबारा से व्यू करना शुरू कर रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। डेफ लोग, हेयरिंग लोग, बाकी सब ने कमेंट्स किए कि भई आपकी वीडियोस नहीं शो हो रही, फ़नी वीडियोस कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे फोटोशॉप के ऊपर मैं बनाता हूँ, क्योंकि वो इन वीडियो से जो है वो लर्न करते हैं, तो जहाँ से वो देख के सीखते हैं वो वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं न्यू यूट्यूब चैनल बना लेंगे या देखते हैं क्या करना चाहिए, वेट करते हैं अभी फिर इस पे आगे किस तरह स्ट्रगल की जा सकती है। और फिर कि जब मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो हैक हुआ था और मैंने सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन वगैरह पे, हर जगह वीडियो अपलोड की, आप सबने कमेंट्स में यूट्यूब को टैग किया और बहुत ज़्यादा टैग किया एंड के वो रिकवर करें, हेल्प करें मेरी। इसी तरह हसीब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, हसीब के भाई डेफ हैं और वो गूगल में जॉब करते हैं, गूगल के एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं यूट्यूब टीम से बात करता हूँ तो इंशाल्लाह कुछ होगा। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और बाकी भी फैमिली मेंबर्स, कजन्स, फैमिली में आंटी खाला, इन सब ने मुझे दवाएं दी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट जो आप लोगों ने मुझे इस हार्ड टाइम में शो की।
थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो है वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भई जिसने भी हैक किया है तो क्यों, मैंने तो कभी किसी के नेगेटिविटी नहीं फैलाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो इतनी मुश्किल से अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इनशाला बाकी भी डेफ कम्युनिटी को अवेयरनेस दे के सपोर्ट करूँगा। और किसी ने मेरा चैनल हैक किया है तो ये तो मतलब क्या फजूल बात है। और बाकी मैं डेफ लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए, सस्पेंड हो जाए, कोई हिट पड़े, तो आप परेशान ना हो इसके ऊपर। आप यूट्यूब टीम से जो है उनसे रिक्वेस्ट करके हेल्प ले सकते हैं, उनको ईमेल करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और किस तरह हेल्प ले सकते हैं आप देखें ज़रा, अपने बारे में बताएं, अपने इशू के बारे में बताएं, अपनी फैमिली से सपोर्ट कर ले के रिटर्न जो आपको हेल्प आउट कर सके, क्योंकि डेफ लोगों का रिटर्न इशू होता है, उनकी साइन लैंग्वेज स्ट्रेंथ होती है, बट कोई बात नहीं, वो अपनी फैमिली से सपोर्ट ले सकते हैं जो उनके लिए आवाज़ बन के उनको रिटर्न लिख के दे सकें, और वो यूट्यूब से अपील कर सकें, और वो आपको आंसर करेंगे, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप जब वो आपको बताएंगे किस तरह आप अपना यूट्यूब चैनल जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, और एडवांस सेटिंग्स और प्रोटेक्शन सेटिंग्स को आप इनेबल कर सकते हैं, तो वो यूट्यूब टीम आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी ताकि आप इस चीज़ का आगे ख्याल रखें। और इसके अलावा कि जब मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ तो पीछे मेरी बहन की आवाज़ होती है, और हम सब टाइटल्स भी डालते हैं, बहुत सारे डेफ लोग। मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है वो हेयरिंग कम्युनिटी तक भी पहुँचे, सिर्फ डेफ लोगों तक ये चीज़ महदूद ना रहे, क्योंकि सोसाइटी को इसी तरह इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, और डेफ कम्युनिटी अगर साइड पे रहेगी तो इस तरह काम नहीं हो सकता, तो इंक्लूसिव होना बहुत लाजमी है। और बहुत सारे डेफ लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि भाई वो जब YouTube वीडियोस बनाते हैं तो पीछे कोई वॉइस ओवर नहीं होता, तो वो इस तरह वो किस तरह बात पहुंचाएंगे, और वो ये सोचते हैं कि अच्छा भाई अगर हम वॉइस ओवर कराएंगे तो शायद हम हसन का आइडिया कॉपी कर रहे हैं, उसकी बहन का, वो थोड़ा शर्म फील करते हैं। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप लाजमी वॉइस ओवर करें, आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं, आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली की सपोर्ट लें, अपनी फैमिली को कहें वो आपके लिए वॉइस ओवर करें, ताकि आपकी वीडियोस इंक्लूसिव बन सकें और हेयरिंग लोग भी देखें और आप लोग ग्रो करें और इसके ऊपर मेहनत करें, और डेफ लोग अपनी फैमिली के सपोर्ट से वॉइस ओवर करके डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करके कर सकते हैं इस चीज़ को ग्रो अप। एंड थैंक यू आप सबका, यूट्यूब टीम का और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी एजुकेशन के इश्यूज के ऊपर जो मैंने बात की, जॉब से रिलेटेड डेफ कम्युनिटी के इश्यूज पे बात की, स्किल से रिलेटेड बात की, तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। और मेरा चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।